हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता आपका अपनी रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंडिया की फेवरेट डिश चंद्रकला। ये बहुत ही क्रिस्पी है, सॉफ्ट है और डिलीशियस भी है। आप इसे एक बार खाएंगे तो ज़रूर बनाएंगे, और बनाएंगे तभी खाएंगे। तो इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपको खाने में, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डिलीशियस है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लोर। आपको ज़्यादा बनाना है तो आप क्वांटिटी ज़्यादा और कम कर सकते हैं, कम बनाना है कम कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कम से कम 4-5 टेबलस्पून घी। घी डालने से ये थोड़ा अच्छा क्रिस्पी बनता है। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं, पर मैं घी ज़्यादा प्रिफर करूँगी। घी डालने से ये बहुत ही खस्ता बनेगा, तो इसमें हम घी डालेंगे। और अब इसका एक अच्छा डो तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में पानी नहीं डालेंगे। धीरे धीरे पानी डालकर एक आटा गूँथेंगे इसका। और अगर ज़्यादा पानी डल गया तो इसमें थोड़ा सा मैदा और मिलाकर हम इसे तैयार कर सकते हैं। तो इसे अच्छा एक डो तैयार करेंगे। हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, जब तक हम इसे इसकी फीलिंग तैयार कर लेते हैं। फीलिंग के लिए आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो वो यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ बादाम, नारियल, काजू और थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है। आप उसे यूज कर सकते हैं अच्छे से। खोया मैंने मार्केट से लिया है, आप चाहें तो घर में भी बना कर रख सकते हैं। मैं मार्केट का खोया यूज कर रही हूँ। मैंने 150 ग्राम खोया लिया है और इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को मिला देंगे। अच्छे से मिलाकर इसमें 2 चम्मच चीनी मिलाएंगे, शुगर पाउडर। चीनी को थोड़ा सा पीस लेंगे तो अच्छा लगेगा, इसीलिए 2 चम्मच ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसे हमें सिरप में ही डालना है। तो आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाला है ताकि अंदर की मिठास भी बनी रहे। अच्छे से मिक्स करके और अब हम आटे का गोला बनाएंगे और पूरियों की तरह बेल सकते हैं, या इसे बड़ा बेल करके और उसे आप शेप कटर से काट सकते हैं, ग्लास से काट सकते हैं, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। शेप एक जैसा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो मैं दोनों तरह से दिखाती हूँ, आप पूरी की तरह भी बेल सकते हैं। तो चलिए मैं पहले पूरी बना लेती हूँ। इसे सर्कल बेलना है। अच्छे से इसकी पूरियां तैयार कर लेंगे।
में एक बड़ा गोला बनाएंगे और उसे भी अच्छे से बेल लेंगे, सर्कल रफली भी बेल सकते हैं क्योंकि हमें उसे काटना तो है गोल ही, तो आप रफली भी बेल सकते हैं, सर्कल भी बेल सकते हैं। तो इसे काट कर पहले बेल लेते हैं, फिर से हम ग्लास से, कटोरी से या शेप कटर से सर्कल में काट लेंगे। अब जो भी चीज़ यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, बस हमें एक साइज की सर्कल पूड़ियाँ चाहिए। हो गया हमारा, सिर्फ कटर से भी कट गया। इसी तरह से हम सबको अच्छे से बेल कर तैयार कर लेते हैं। और इसमें हम फिलिंग भरते हैं। चलिए पहले फिलिंग तैयार कर लेते हैं, फिलिंग को भरते हैं इसमें। आप जितना फिलिंग उसमें डालना चाहते हैं, कम से कम 1 या 1.5 चम्मच के करीब जितना उसमें आ सके उतना फिलिंग डालिए। और फिर इसके ऊपर एक पूड़ियाँ रख के उसे कवर कर देते हैं, चारों तरफ से अच्छे से कवर करना है। तो इसे हम अपने अंगूठे से दबाते हुए सर्कल शेप देते जाएंगे, इसे राउंड में इसे बंद करना है, उसे हम बंद करते चले जाएंगे। हो गया हमारा, एक और भर के दिखाती हूँ। बिल्कुल उसी तरह से हमें करना है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसे बनाना कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा बनेगा। इसी तरह से हमें राउंड शेप लेते हुए मोड़ देना है। अब हम इसी तरह से सारे पूड़ियों को बेल लेंगे और सबको भर लेंगे। मैंने सब तैयार कर लिया है, पहले शुगर सिरप तैयार करते हैं, उसके बाद फिर इसे तलेंगे। दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं, पर चलिए पहले शुगर सिरप दिखाती हूँ कैसे तैयार करना है। बड़ा भी बनाया है मैंने, छोटा भी बनाया है, जैसी पूड़ियाँ रहेंगी वैसे बनेंगे। चलिए शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने 2 कप चीनी लिया है और इसमें 2 कप पानी डालेंगे। थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे और जब खौलने लगे इसमें अच्छे से बबल आना चाहिए, तभी ये ग्रेवी थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर और केसर के धागे मिला देंगे टेस्ट के लिए। आपको टेस्ट अच्छा लगे तो डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, पर इलायची पाउडर डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है,
इसलिए आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। चाशनी को चेक करने के लिए हम अपने उंगलियों पे थोड़ा सा लेकर देखते हैं उसमें एक तार आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब एक तार आने लगे तो हम इसे ऑफ कर देते हैं, फ्लेम को बंद कर देंगे। अभी अच्छे से नहीं आया है, थोड़ा सा और आएगा। जब ठंडा हो जाता है शुगर सिरप तो ज़्यादा अच्छा से पता चलता है, तो हम इसी तरह से देख लेंगे। हाँ, अब थोड़ा सा आने लगा है तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और चंद्रकला तलने की तैयारी करते हैं। चंद्रकला को तलने के लिए हम तेल को ज़्यादा हीट नहीं करेंगे, मीडियम ही रखेंगे। ज़्यादा हीट पे डालने से वो पकेगा नहीं और थोड़ा वो फूलेगा भी नहीं अच्छे से, इसीलिए हम फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और अच्छे से तलेंगे ताकि वो अंदर भी पके और बाहर भी पके। इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेते हैं। इसका कलर आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्रिस्पी नहीं लगेगा। क्रिस्पी होना बहुत ज़रूरी है, तो हम इसे बिल्कुल गोल्डन होने तक तल लेते हैं। गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद फिर हम इसे शुगर सिरप में डाल देंगे। कम से कम 10 मिनट तक शुगर सिरप में डालेंगे ताकि रस अच्छे से अंदर तक चला जाए और खाने में थोड़ा मज़ा भी आए। तो सब बिल्कुल तैयार हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे सिरप में सारे चंद्रकला को डाल देंगे। 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर आप निकाल के इसे खाइए, सर्व कीजिए। कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।